गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बहुत सारा मैराथन और रिविज़न वीडियोस लगातार पुट कर रहा हूं लेकिन अचानक से क्या हुआ एक स्टूडेंट ने मुझसे एक डाउट पूछा जिसकी वजह से मैं एकदम शॉक में चला गया कि ऐसा भी होता है क्या स्टूडेंट ने ये कहा कि सर अभी तो बहुत सारे रिविज़न वीडियोज़ आ रहे हैं आपके धनाधन तो मेरे को ये बताओ कि मैं कैसे उन रिविजन वीडियोस को देखूँ कब देखूँ एग्ज़ाम के पहले जिससे मुझे एकदम भी खुद पढ़ना नहीं पड़े सिर्फ रिविज़न वीडियोस देख के मैं एग्जाम में चला जाऊँ ओके नाउ आई वाज एक्चुअली अपॉल्ड बाय दिस क्वेश्चन बिकॉज ड्यूरिंग माय एंटायर रिविज़न वीडियोस और मैराथन सीरीज़ और बूस्टर रिविज़न आई हैव नेवर एडवाइज द स्टूडेंट कि आप सिर्फ और सिर्फ रिविज़न वीडियो के भरोसे एग्जाम में चले जाओ ये गलत हो रहा है अब अगर उस स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स में इस तरह की एक प्रवृत्ति आ गई है कि अब वो सेल्फ रिवीजन नहीं करके बस रिवीजन वीडियोस के भरोसे एग्ज़ाम में जा रहे हैं ये बहुत नुकसानदायक हो जाएगा मैं बता रहा हूँ रिवीजन वीडियोस का पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक इनिशियल मोमेंटम देना होता है जैसे Uh, आप क्लासे आपकी क्लासेस आपकी ख़त्म हो गई हैं एग्जाम में भी दो महीने बाकी है अब आप घर में बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो उस वक्त क्या होता है रिवीजन वीडियो देखने से बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट सपोज आपका एक प्लान है कि सात दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करेंगे तो उस वक्त रिवीजन वीडियो अगर देख लेते हो मैराथन देख लेते हो तो क्या है कि पूरा सब्जेक्ट एक बार फटाक से तुम्हारे रिदम में आ जाता है और मोमेंटम मिल जाता है बट याद रहे रिविज़न वीडियो कैन नेवर बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ रिविज़न सेल्फ़ रिविज़न सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट एक रिविज़न वीडियो में कोई भी टीचर कितना कवर कर पाएगा मुश्किल से सिलेबस का हम लोग जो क्रीम पोर्शन है वो टेन परसेंट कवर कर पाएंगे बाकी नाइन्टी परसेंट तो कवर नहीं होगा और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है क्वेश्चंस जो आएंगे वो तो नए टाइप के रहेंगे वो तो पुराने वाले के रिपीट आएंगे नहीं कि वही क्रीम पोर्शन छप के आ जाए क्वेश्चन तो नए नए चीज़ों से आएगा जो अब तक नहीं आया है तो अगर आप सेल्फ़ रिविज़न नहीं करोगे तो आप उन सवालों का जवाब दोगे कैसे सोल पर्पज ऑफ रिविजन वीडियो मैराथन इज टू गिव यू अ मोमेंटम कि अब तुम सेल्फ रिविजन स्टार्ट कर सको सो रिविजन वीडियो एक्चुअली द प्री स्टेज बिफोर स्टार्टिंग द सेल्फ रिविजन तो सेल्फ रिविजन तो सर करना ही पड़ेगा बिकॉज सेल्फ रिविजन हंड्रेड परसेंट होता है सेल्फ रिविजन में तुम अपने बुक और कॉपी नोट्स को देखते हो अपनी हैंडराइटिंग में सब रिवाइज करते हो तो वो तुम्हारे दिमाग में तुमने जो भी क्लासेस की पूरा जोरदार घूमना चालू हो जाता है सेल्फ रिविजन से तुम्हारे अंदर केपेबिलिटी आती है कि तुम अच्छी तरह से उसको एग्जाम में लिख सको अरे खाली सुनने से थोड़ा ना होगा यार ओरल एग्जाम थोड़ा ना है इट इज अ रिटर्न एग्जाम सो so, सुनना अलग होता है और पूरा खुद के बुक और कॉपी नोट से पढ़ना अलग होता है उससे तुमको पता चलेगा एग्जाम में कैसे लिखना है कैसे प्रेजेंटेशन आएगा प्लस तुम जब सेल्फ रिवाइज करोगे तो हंड्रेड कवर करोगे और रिविजन वीडियो में मैंने जैसा कि बोला केवल क्रीम का टेन कवर होता है पूरा कवर नहीं हो सकता सो so, प्लीज ये बात आप लोग याद रखें कि दोनों जरूरी है रिवीजन वीडियो भी सेल्फ रिवीजन भी पर दोनों के स्टेजेस अलग अलग हैं जब आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करो या चैप्टर को पढ़ना चालू करो तो उसके जस्ट पहले अगर रिविज़न वीडियो फटाफट देख लोगे तो एक बार मोमेंटम मिल जाएगा उसके बाद तुम अपना सेल्फ रिविज़न करो अच्छी तरह से एकदम डिटेल में घुस के पढ़ाई करो सो आई होप ऑल ऑफ यू कीप दिस इन माइंड देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु मे बी फॉलोइंग इन टू दिस काइंड ऑफ मतलब क्या बोलूँ ट्रैप कि वो सिर्फ रिविज़न वीडियो पढ़ के सुन के जा रहे हैं बिना रिवाइज के उससे नहीं होगा कंपिटेटिव एग्जाम में बहुत हार्ड है ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू